ये 610F है और इसे यूज़र डेटा लगने की वजह से ये फिर इस कंडीशन में चला गया। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इस पर एक मैं आपको फाइल दूंगा, अगर आपका मोबाइल भी इसी कंडीशन में चला गया है तो इजी सॉल्व है, ठीक है। आप इसमें इसी कंडीशन में यूएसबी लगा दें, मैं आपको पीसी पे ले चलता हूँ, ठीक है। और जी हम पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद सी एस सी फाइल में जाना है और यहाँ से मैं आपको एक फ़ाइल का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपने डाउनलोड करनी है और इसी ऑडियन में जाके CSC आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना है मोबाइल को, जैसे मैंने USB के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको मोबाइल रीसेट होके ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें रीसेट और ये पास, और यहाँ पे आपका मोबाइल ऑन हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से PC से बंद कर देता हूँ और स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ और ये कोई बात नहीं, मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा, इससे परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए थोड़ा सा वेट करें, यहाँ से आप इसको सीधा एग्ज़िट में ले जाएं या यहाँ से आप हार्ड रीसेट या कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, यूज़र डेटा और यस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वेब कैच भी कर लेते हैं क्योंकि कोई फाइल, और उसके बाद रिबूट कर लेते हैं। दोस्तों आपको किसी भी प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना करना पड़े तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मुझे किसी भी वीडियो के लिए नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको फ़ौरन रिप्ले करूँगा और मैं अपना मोबाइल नंबर भी इंशाल्लाह आपको जल्दी दे दूँगा ताकि आप मुझसे रब्ता कर सकें। अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी। तो हमारा मोबाइल अभी ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, इसके लिए वेट करना होगा।
ये लेंगे, हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ठीक है, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।